चाहे आप गीता पढ़ लीजिए, चाहे आप कोई भी अच्छा ग्रंथ पढ़ लीजिए, वहां पे एक ही चीज दिखाई जाएगी, अगर आपको रिच बनना है आप अपनी इनकम का 10वां हिस्सा दान कीजिए, क्योंकि आप अपने लिए कमा रहे हैं ये तो आपको पता है, लेकिन सिर्फ आपके द्वारा ही ये कमाई आ रही है ऐसा नहीं है, आपकी कमाई में हजारों लोगों का सहयोग हो रहा है, आपकी कमाई में सफाई कर्मचारियों का, पता नहीं किस किस का, इवन पशुओं का भी योगदान आपकी कमाई के अंदर है। तो अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ पैसा कमाना है, तो दोस्तों पैसा तो जुआरी भी कमा लेता है, पैसा तो गैंगस्टर भी कमा लेता है, पैसा तो आतंकवादी भी कमा लेता है शायद, तो पैसे से दुनिया नहीं चल रही है, रिचनेस से दुनिया चल रही है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब रिच बने। ओके, कई लोग हमें कहते हैं कि आप रिच पुअर क्यों यूज करते हो, आप ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी तो यूज कर सकते हो। दोस्त ये मैं हिट करने के लिए यूज करता हूँ, ताकि हर्ट हो और ताकि पता चले कि अगर मिडिल क्लास है तो आप पुअर ही है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच। इस पूरे प्रोग्राम को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप में से हर एक इंसान स्पेशल है और मिलियनेयर बनने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि ना सिर्फ आपको मिलियनेयर पैसे में बनना है, आपको नाम शोहरत पैसा दुनिया की हेल्प करना, दुनिया की मदद करना, आपके द्वार से कोई खाली ना जाए ऐसा आपको काम करना है दोस्तों, ताकि हर आदमी बन सके मिलियनेयर, ताकि आप इस एनर्जी को फैला सके। ये मिलियनेयर बनना एक एनर्जी है। देखिए सबसे बड़े मिलियनेयर्स जो भी हैं, जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, वो सारे सबसे बड़े मिलियनेयर्स हैं। चाहे आप बुद्धास की बात कर लीजिए, चाहे आप महावीर स्वामी की बात कर लीजिए, चाहे कहीं की भी बात कर लीजिए, ये सब लोग जितने भी पावरफुल स्पिरिचुअल लीडर्स हुए हैं या हैं अभी इस प्लेनेट पे, दे आर द मोस्ट मिलियनेयर्स, क्योंकि उनके द्वार पे आराम से लोगों को भोजन भी मिलता रहता है, रहने की व्यवस्था भी होती रहती है, वो किसी को भी ना नहीं बोलते और ओपन आर्म्स करके रखते हैं, हमेशा खुशियां फैलाते रहते हैं। दोस्तों ये सिंपल प्रिंसिपल है, रिच पीपल या रिच माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों को समझते हैं, वो जानते हैं कि कहां पे क्या करना है, कब क्या करना है, कैसे करना है, कहां दान देना है। मैं कहता हूं आप देख लीजिए तिरुपति बालाजी का मंदिर, ये रिच लोग कोई कोई दो दो तीन तीन चार चार करोड़ रुपए का दान देते हैं। कैसे? दान देने के लिए रिच आदमी हमेशा तत्पर रहता है, पुअर आदमी दान देने के लिए उतना तत्पर नहीं रहता है। पुअर आदमी कहता है कि नहीं यार, मुझे दान देता हूं मैं तो, मैंने देखो भिखारी को रोटी खिलाई, मैंने देखो गाय को चारा दिखाया, लेकिन रिच जो होता है वो अपनी आमदनी का 1-2% दान देता है, या कम से कम 10% दान देता है। दोस्तों ये बिलीव है, जब तक आप दोगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। रिच मेंटालिटी जो है वो अलग है, रिच मेंटालिटी बहुत ही डिफरेंट है। आप कहोगे नहीं सर, रिच लोगों को तो हमने दान देते हुए उतना नहीं देखा। मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं मानता इस चीज को दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया है। जो ट्रूली रिच है, जो जो पैसे से भी रिच है, माइंडसेट से भी रिच है, जो सच में बुद्धि से भी रिच है, वो इंसान हमेशा दान देता है, बड़े बड़े दान देता है दोस्तों। जैसे कि अगर आप देखें कोविड के अंदर, रतन टाटा साहब ने 1500 करोड़ दे दिया, या अजीम प्रेम जी साहब ने 1100 करोड़ दे दिया। ये लोग चाहते तो कह सकते थे 100 करोड़ ही देंगे, और इनको कोई जबरदस्ती जाके मांग नहीं सकता था, लेकिन खुद की मर्जी से 1500 करोड़ देना, और ऐसे कई सारे लोग आए और उन्होंने दिया दोस्तों। दोस्तों रिच मेंटालिटी के लोग होते हैं वो दान देते हैं, पुअर मेंटालिटी के लोग होते हैं वो हमेशा कंजूसी करते हैं दान देने में, जहां वो 10 रुपए दे सकते हैं वहां 1 रुपया देते हैं वो लोग। दोस्तों आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, ओके, एंड आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस। ये शायद आपको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल वीडियो लगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप गीता पढ़ लीजिए, चाहे आप कोई भी अच्छा ग्रंथ पढ़ लीजिए, वहां पे एक ही चीज दिखाई जाएगी, अगर आपको रिच बनना है आप अपनी इनकम का 10वां हिस्सा दान कीजिए, क्योंकि आप अपने लिए कमा रहे हैं ये तो आपको पता है, लेकिन सिर्फ आपके द्वारा ही ये कमाई आ रही है ऐसा नहीं है, आपकी कमाई में हजारों लोगों का सहयोग हो रहा है, आपकी कमाई में सफाई कर्मचारियों का, पता नहीं किस किस का, इवन पशुओं का भी योगदान आपकी कमाई के अंदर है, क्योंकि आप उन्हीं से दूध दही छाछ ऐसे बहुत सारी चीजें, प्रोडक्ट मिल्क प्रोडक्ट्स या बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप एनिमल्स के यूज करते हैं, प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है। 5-10% आप योगदान कीजिए, अगर आपके लिए 5-10% मुश्किल है 1% पे आ जाइए, अपनी इनकम का 1% डोनेट कर दीजिए। अगर आपके पास 50,000 रुपए सैलरी आ रही है, 1% कितना होगा यार, कितना होगा बताइए आप मुझे, 1% होगा 500 रुपए, 500 रुपए निकाल के डोनेट कर दीजिए, दैट्स इट। कर सकते हैं आप नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, डोनेट एंड डोनेट ब्लाइंडली, वहां पे अपनी तख्ती मत लगवाइए, जहां आपको डोनेट करना कर दीजिए, ऑलराइट, लेकिन अलग अलग जगह मत करने जाइए कि नहीं मैं थोड़ा गाय को चारा दूंगा, थोड़ा ये करूंगा, थोड़ा वो करूंगा, अलग अलग नहीं दोस्तों।
या तो पूरे साल का पैसा इकट्ठा कीजिए, एक साथ डोनेट कीजिए, या फिर हर महीने का तुरंत डोनेट कर दीजिए जैसे आपकी ईएमआई जाती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि आप में से कई लोगों को समझ नहीं आएगा अभी शायद, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको तब समझ में आएगा जब इसको करते रहेंगे कंटिन्यूअसली। आप एक तरह से गुड कर्माज कलेक्ट कर रहे हैं। रिच लोग ये गुड कर्माज को कलेक्ट करते रहते हैं। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं सर, वो रिच लोगों को तो मैंने देखा है, वो उसकी सैलरी नहीं देता। अरे वो रिच पैसा आ गया है उसके पास, वो रिच नहीं है। जिसके पास पैसा आ गया है लेकिन वो छोटा सोच रहा है, वो रिच नहीं है। वो तो एक एक्सीडेंटली उसके पास पैसा आ गया है और अब उस पैसे को वो चिंदीगिरी कर रहा है और उसके पास वो खुद इंजॉय नहीं कर पा रहा उस पैसे को। वो खुद उस पैसे को इंजॉय नहीं कर सकता, वो खुद उस पैसे से बहुत खुल के नहीं जी पा रहा है। तो वो तो रिच नहीं है, वो तो मैं कहूंगा पुअर से भी बदतर है। क्योंकि पुअर आदमी कम से कम शांति से सो तो सकता है, बिल्कुल खुले में खाट डाल के सो सकता है, घर को ताला लगा के जा सकता है, ये तो जा नहीं सकता अपने घर को छोड़ के। सो ये रिच नहीं है। रिच मेंटालिटी में रिच यानी पैसा भी है, मेंटालिटी भी है, विजडम भी है, और पूरे समाज का सहयोग भी है, और पूरे समाज के लिए सोच भी है, पूरे देश के लिए सोच भी है। ये है रिच मेंटालिटी। ओके, सो अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ पैसा कमाना है, तो दोस्तों पैसा तो जुआरी भी कमा लेता है, पैसा तो गैंगस्टर भी कमा लेता है, पैसा तो आतंकवादी भी कमा लेता है शायद। तो पैसे से दुनिया नहीं चल रही है, रिचनेस से दुनिया चल रही है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब रिच बने। रिच लोग जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस करते हैं, पुअर लोग जो होते हैं वो ऑब्स्टेकल्स के ऊपर फोकस करते हैं। यानी कि रिच लोग ढूंढते रहते हैं और कहां पैसा इन्वेस्ट करूं, और कहां से पैसा आ जाए, कहां से आ जाए, और क्या कर सकता हूं। जो पॉवर्टी माइंडसेट वाले हैं, कुछ नहीं कर सकता, एक ही नौकरी है, उसमें भी बहुत ज्यादा काम होता है, टाइम ही नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। रिच हमेशा अपॉर्चुनिटी देखता है, पुअर हमेशा ऑब्स्टेकल्स देखता है, प्रॉब्लम्स देखता है, चैलेंजेस देखता है। ओ माय गॉड, क्या करूंगा, कैसे होगा। रिच का माइंड होता है जो कहता है कि यार और क्या कर सकता हूं, और कहां से क्या नॉलेज मिल सकती है, अरे इंटरनेट से कुछ मिल सकती है क्या, अच्छा देखता हूं आजकल ये सोशल मीडिया से भी बच्चे पैसा कमा रहे हैं, देखते हैं कैसे कमा रहे हैं। आजकल ये लोग वीडियो एडिटिंग से भी पैसा कमा रहे हैं, या आजकल लोग फोटोग्राफी से भी करोड़ों कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं यार, देखूं तो सही, सोचूं तो सही। आजकल स्पीकिंग का भी एक करियर है यार, मेरा धंधा तो चल ही रहा है, साथ में मैं क्या बोलना सीख सकता हूं। अरे लोग आजकल सेल्स में जो चीज हम लोग 10,000 में बेच रहे हैं, लोग आज 3-3, 5-5, 10-10 लाख रुपए में बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, अरे उनको समझना चाहिए। रिच हमेशा अपॉर्चुनिटीज, स्किल्स या नई चीजों के बारे में बात करता है, वो आगे बढ़ने की बात करता है, वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज के तरफ फोकस रहता है और पैसे से रिलेटेड हर चीज पे वो फोकस करता है। एंड जो गरीब मानसिकता का व्यक्ति है या ऑर्डिनरी मानसिकता का व्यक्ति है, यू नो, कई लोग हमें कहते हैं कि आप रिच पुअर क्यों यूज करते हो, आप ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी तो यूज कर सकते हो। दोस्त, ये मैं हिट करने के लिए यूज करता हूं ताकि हर्ट हो और ताकि पता चले कि अगर मिडिल क्लास है तो आप पुअर ही है। मिडिल क्लास क्या है, मिडिल क्लास का तो सैंडविच बना हुआ है हर तरफ, गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं करती, आप कहीं जा नहीं सकते, आपका प्रॉब्लम, आपको कोई लोन नहीं दे रहा, आपके लिए कोई कुछ सोच नहीं रहा। मिडिल क्लास होना तो आजकल उससे पुअर होने से भी बदतर है, इसीलिए मैं जानबूझ के पुअर मेंटालिटी का बात कर रहा हूं। दोस्तों, पुअर लोगों का एक ही फोकस है, प्रॉब्लम बहुत सारी है, वो छोटी सी बीमारी हो जाती है उस पर फोकस करने लग जाता है, उसका हर हेडेक भी है तो अरे मेरा तो सरदर्द कर रहा है, वो कुछ नहीं करता। रिच माइंडसेट का जो बंदा है वो तो अपनी जिंदगी में आगे से आगे क्या करें उसके लिए दिमाग लगाता रहता है, वो तो सोचता रहता है कि क्या कर सकता हूं, कहां जाऊं, किससे मिलूं, कौन सी बात करूं, कौन सी किताब पढ़ूं, कौन सी। तो समझ लीजिए, वो लोग तो हमेशा अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है क्या, वहां जाता है। अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई नेटवर्क मीटिंग हो रही है क्या, वहां जाता है, उसको समझता है। अरे कोई 3-5 हज़ार 10 हज़ार में कोई कोर्स मिल रहा है, चलो फटाक से खरीद लेते हैं, कुछ तो सीखेंगे, उसका मेंटालिटी ये रहता है। अरे चलो फटाक से एक बुक खरीद लेते हैं, क्योंकि बुक में, पूरी बुक में 300 पेजेस में से अगर एक लाइन भी मेरे काम की हुई तो मेरे लिए वर्थ है। अरे वो टीवी से तो क्या सीखूंगा यार मैं, छोड़ो। वो हमेशा फोकस्ड काम करता है। टीवी इसलिए वो नहीं देखता, टीवी से भी सीखा जा सकता है, लेकिन वो इसलिए टीवी नहीं देखता रिच माइंडसेट का व्यक्ति, क्योंकि वो कहता है यार टीवी में वो लोग वो दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, बुक में मैं वो पढ़ता हूं जो मैं पढ़ना चाहता हूं। दोस्तों, इतना बड़ा डिफरेंस है। कोर्स खरीदने में वो चीज फोकस्ड तरीके से सीख पाते हैं जो वो सीखना चाहते हैं, टीवी में वो फोकस तरीके से आप नहीं सीख सकते। दोस्तों, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहां पे इसी से जुड़ा हुआ एक डिफरेंस आपको और बता देता हूं। रिच वो होते हैं जिनके घर में बड़ी लाइब्रेरी होती है, पुअर वो होते हैं जिनके घर में बड़ा टेलीविजन होता है। इसको लिटरली मत लीजिएगा, रिच लोगों के घरों में भी बड़े टेलीविजन होते हैं, लेकिन फिर भी माइंडसेट से रिच आदमी ही असली रिच है। अगर आप किताबें पढ़ते हैं, आपके घर में लाइब्रेरी है, तो आप ज्यादा रिच हैं दोस्तों।
उन लोगों के कंपैरिजन में जिन्होंने फटाफट पैसा जोड़ के एक 36 इंच 38 इंच 50 इंच 56 इंच का एक टीवी ले आया है और दुनिया को दिखाते फिर देखो हमने ऐसा वाला टीवी लिया, एलईडी लिया, ये लिया, वो लिया, वो लोग रिच नहीं है इधर. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आइए अगले वीडियो में एक दो और डिफरेंसेस देखते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है ये, इनको ऑर्डिनरी मत समझिएगा, ये सबसे असाधारण डिफरेंसेस है दोस्तों. ये डिफरेंसेस जिस दिन समझ में आ गए और आपके जहन में आपने उतार लिए, आई एम टेलिंग यू, यू विल ऑल बी सुपर डुपर हैप्पी. थैंक यू सो मच. रिच लोग जो होते हैं ना उनको चैलेंजेस पसंद है. जो ऑर्डिनरी पुअर लोग या पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं उनको चैलेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं है. पॉवर्टी माइंडसेट के लोग हैं, वो नया कुछ ट्राई करना ही नहीं चाहते, वो अपनी जिंदगी में कभी भी मुसीबतें चाहते नहीं है, तो वो बिल्कुल एक तरीके से चलते रहते हैं और वैसे ही चलते चलते वो कल्पना करते हैं कभी कभी कि हम रिच बन जाएंगे, कभी बहुत आगे बढ़ जाएंगे. लेकिन दोस्तों ऐसा होने नहीं वाला है. पेपर पे एनालिसिस करो कि आप कौन सी साइड में हो, रिच मेंटालिटी वाली साइड में हो या पुअर मेंटालिटी वाली साइड में हो या बीच में हो या उससे भी नीचे हो या उससे भी ऊपर हो, किधर हो आप, आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों.